फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पक्की और मजबूत सड़कों का निर्माण कराया गया। ये जितनी सड़कों पर आप आवागमन करते हैं ये सब अंग्रेजों की देन है। उसके बाद इनका रखरखाव, इनकी देखरेख, मरम्मत की जिम्मेदारी कुछ खास विभागों को सौंपी गई, जिनमें शहर की सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और प्राधिकरण के पास है। नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास है। आज के समय में हर कोई जल्दी में रहता है, किसी को एक मिनट का भी सब्र नहीं होता, लेकिन आप अपनी गाड़ी को कितना भी तेज क्यों ना दौड़ा लें, जल्दी कतई नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि गड्ढों में दौड़ रही हैं। आज के समय में ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में कहीं थोड़ी सी सड़कें बाकी हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। आजकल शहर में फ्लाईओवर बनाने का काम जोरों शोरों पर है, उससे भारी गाड़ियां उस पर चलेंगी और बाकी के लोग पुल के नीचे से निकलकर अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके लिए सड़क बची नहीं है। जी हाँ, फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए सड़कें गायब कर दी गई हैं, लोग अंधाधुंध गड्ढों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। और मेरठ से संवाददाता अभिषेक यादव दिखा रहे हैं कि शहर की सड़कों के बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और जर्जर हालात कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। इस वक्त मौजूद हैं हम मोदीपुरम में, जहां आप सड़कों का हाल देख रहे हैं। इतने बुरी तरह से गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं हर तरफ। सरकार ने जहां एक तरफ जो है ट्रैफिक रूल्स में सुधार करते हुए जुर्माने को बहुत बड़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों का ये हाल आप सब देख रहे हैं। नाम नरेश कुमार वर्मा है। भैया, जिस वक्त जो आप सड़कों की हालत देख रहे हो, जो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, इन सड़कों की जो हालत है उससे कितनी दिक्कत आपको झेलनी पड़ रही है? हालत दयनीय है और दुपहिया वाहन वालों को तो इतनी दिक्कत है, जरा हमारा ऐसा कट कर दे तुझे पीछे से दूसरा गाड़ी वाला या कोई ऑटो वाला उसे तुरंत धक्का लगा देता है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे जलमग्न एक साथ होता है, पता नहीं रहता कहाँ पानी है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क है, कोई पता नहीं चलता यहाँ पे। तो ये जो ट्रैफिक नियम जो नए 1 सितंबर से लागू हुए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जुर्माना बढ़ा दिया है और जबकि सड़कों की हालत ऐसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कौन दोषी है? सरकार जो है टैक्स को बढ़ाती हुई जा रही है, सुविधाएं को कम करती हुई जा रही है। टैक्स हमसे 5 साल का इंश्योरेंस बढ़ा दिया गाड़ी पे, कोई भी गाड़ी ले 5 साल का इंश्योरेंस कर लेती है। और रोड टैक्स जो है वो और प्रदेशों के मुकाबले डबल हमें देना पड़ता है यहाँ पे, जबकि सुविधा जो है हाफ भी हमें नहीं मिल पाती। ऐसा जो है ऐसे रोड ही ठाके इस पर गिर दे नहीं, ना इस पर कुछ माल गिर दे ना कुछ, अभी बारिश हो जाओ ये बाहर आ जा। कल यहाँ एक मोटरसाइकिल पर बेचारी एक लेडीज गिर पड़ी ऐसे ही, उसके ऊपर पहिया उतर गया उसका गाड़ी का। ऐसे रोज़ एक्सीडेंट होते रहे हैं यहाँ से, रोज़ काम है साले को, रोड का कोई ध्यान ही नहीं करते, ना माल लगाता कोई भी, सब यही हाल है बस। अब देख लो सुखी रोड ही पड़ी है, ये पड़ी सुखी रोड ही है बिल्कुल, इसे ठावे नुक्की में भर दें इसमें, तो ऐसा जो है कम से कम माल तो लगावे तभी तो ये रुकेगी। खड्डे इतने बुरे हो रहे हैं जिसकी हद नहीं है। ऐसा जो है वो करो भैया, जैसा करवाओ जो जैसे भी कह के ऐसा प्रशासन। भैया हम तो जाए नगर निगम की भी सरकार की भी सबकी गलती है, नाले अटे पड़े, नाले साफ नहीं है, सभी जिम्मेदार है इसके। भैया यहाँ तो रोज पत्रकार भी डेली आवे, फोटो ले जा करके डेली वीडियो बना के ले जा, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। अब भैया एक आदमी कौन सुन रहा, धमका के भगा दे। हाँ उसका भी भाई, ये जितने भी यहाँ आवे तो है डेली, इसमें रोड ही भर के ऐसे चले जावे, डेली का काम है। मेरा नाम नसीम है, मेरी टायर की शॉप है। सर ये बताइए जो इस सड़क पे आपके सामने गड्ढे हैं उनमें जो है दुर्घटनाएं होती होंगी? दुर्घटना नहीं होती, मैं खुद अस्पताल लेकर गया हूँ और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, दोनों मियाँ बीवी इस तरह से गिरे कि अगर शायद पीछे कोई बाइक होती, वो सॉरी कोई ट्रक होता तो शायद कोई ज़्यादा बड़ा केस होता। इसी गड्ढे की वजह, सामने जो आप देख रहे हैं गड्ढे सामने ही है, इन गड्ढों की वजह से ही। और दोनों मियाँ बीवी को मैं खुद छोड़ गया था और रात को 9 बजे उनका एक्टिवा मैं खुद देख आया हूँ सर्वहित के अंदर कि हाँ चोट लग गई, और स्टेशन पर उसकी वाइफ थी, इतनी ज़बरदस्त चोट थी कि पता नहीं क्या दिन में छुट्टी हुई होगी उनकी, इन गड्ढों की वजह से ही। इस संबंधित विभाग में कभी कोई शिकायत, कोई याचिका, कुछ भी कर दो, कोई सुनवाई है ही नहीं। नुगे जी किसी के पास जाओ, नुगे जी NH वालों के पास जाओ, उनके पास जाओ, BW वालों के पास जाओ,
सब मना कर दे, सब में कह लिया अखबार पढ़ लो, आज भी अखबार में है, रोज़ अखबार में आ रही, कोई सुनवाई है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब वो भैया है तो वो शीशा बदल रहे हैं सामने, एक बार भैया उधर घुमाना अपना शीशा, रोज़ शीशे टूट रहे हैं गाड़ियों के डेली इन गड्ढों की वजह से। देखो क्या गाड़ियाँ खड़ी हैं शीशों की वजह से, इन गड्ढों की वजह से जरा सी रोड़ी निकल जाए बाहर बैठना बंद कर दिया, क्यों सीधी रोड़ी निकल के आती है टायर से और ऐसे लगेगी पता नहीं कहाँ चोट मार दे, अंदर बैठ रहे हैं इसी वजह से, कैसा ना होगा भी कोई हमारी चोट मार जाए। इसलिए पब्लिक का इतना नुकसान है, बेहिसाब कोई सुनवाई नहीं कुछ नहीं। अभिषेक अंतल, ये बताइए जो सड़कों पे जो ये गड्ढे हैं इनके कारण जो है कितनी दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ा है, व्यापार भी प्रभावित हो रहा होगा? सर आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है रोड पे, कल शाम में भी यहाँ पे 6-7 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक लेडीज़ एक बच्चा छोटा वो भी घायल हुआ है, दुर्घटना काफ़ी हो रही है रोड पर गड्ढों से, पानी जमा हो जाता है बरसात में, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है, एक्सीडेंट काफ़ी हो रहे हैं, और इसको लेके हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन परेशानियों को दूर कराए और सड़कों के गड्ढे सब मतलब रिपेयर कराएं या नई सड़क बनवाएं। इस सारे संबंध में सबसे ज़्यादा लापरवाही जो आ रही है प्रशासन की आ रही है भाई, ये काम तो प्रशासन का है, डिपार्टमेंट का है भाई, हम आम पब्लिक क्या करेगी, ज़्यादा आप लोगों से शिकायत कर देगी, संबंधित डिपार्टमेंट में शिकायत कर देगी, लेकिन ठीक तो उन्हीं को करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप भी मेरठ की सड़कों से परेशान हैं तो आप इस वीडियो से खुद को रिलेट जरूर करेंगे। जिन सड़कों को माल रोड का नाम दिया गया उनकी क्वालिटी में फिर भी 1% दम देखने को मिलता है, लेकिन शहर की सड़कें इस कदर कमजोर और जर्जर हालत में हैं कि वो मौसम की एक बारिश तक नहीं झेल पाती। सड़क पर बिछा मटेरियल बाहर आ जाता है और लोग धचकियां खाते हुए अपने अपने घर पहुंच पाते हैं। यहाँ से एक टेम्पो जा रहा था, आप देख सकते हैं कि गड्ढों के कारण उसमें से जो कार्टून थे वो गिर गए, तो की वजह से आपको क्या दिक्कत हुई? ये पेटी गिर गई जी हमारी सारी गड्ढों की वजह से, माल सारा बिखर गया। हैं जी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब जिम्मेवार तो किसको बताया जाए, सरकार कुछ करती नहीं क्या करे है जी, जब गड्ढे हो रहे तो सरकार को देखना चाहिए ना, सड़क बनवानी चाहिए जी, बस सड़क बन जाए, इससे ज़्यादा क्या अपील करनी, सड़क बन जाए हमारी। आगे सड़क की क्या हालत हो रही है, सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए, और कौन है जिम्मेदार? अब इससे समस्या ये है, ज़्यादा बच्चे रोड बीमार रहते हैं, सारा सुबह शाम तक धूल हम लोग फाँकते हैं यहाँ रास्ते पे, इनको बोलते हैं भाई कम से कम पत्थर डालो, मिट्टी मत डालो इसमें, ये मिट्टी उठा के साइड से डाल देते हैं इसमें, और स्टेटस आप देख लीजिए क्या है, ना यहाँ चलने के ना फिरने के, 2 मिनट में यहाँ बारिश हो रही है पानी इतना भर जाता है, बेहद ऊपर तक पानी उतरता है सारा ना, मतलब बिल्डिंग में बंद अंदर, अगर आपने निकलना है तो आपको व्हीकल चाहिए, पैदल आप मूव नहीं कर सकते हैं उसको, बाकी आप देखें इसका क्या हो सकता है, सरकार तो आती है गड्ढे भर जाती है मिट्टी डाल के 10 दिन में, फिर वही हालत हो जाती है उसकी। ये जो है हमें पता चला कि हर 3 महीने में बनती है, लेकिन इसकी स्थिति सही नहीं है, ऐसा क्यों भाई साहब? 3 महीने छोड़िए, इसे रोज बना लें, पता नहीं लगाते क्या है इसमें, ये पानी जैसे ही भरता है पानी भरते ही खत्म हो जाती है, आज बनाएंगे कल पानी भर गया परसों खत्म मिलेगी। इसको जिम्मेदार तो भाई साहब डिपार्टमेंट ही है जो इस काम को करने वाला है, कम से कम मटेरियल ऐसा लगाए जो चले भाई, या तो आप पानी निकासी की व्यवस्था करें। ये गड्ढे तो मैं समझता हूँ कि हर बार ही ठीक होते हैं और हर बार ही खराब हो जाते हैं, अभी पीछे ठीक कराए थे बरसात में, बरसात जब निपटी है कि नहीं, उसके बाद में फिर ऐसे ही हो गए, बहुत दिक्कत है सर यहाँ से तो, है ना, गाड़ी निकालते हैं बाइक फिसलने का खतरा रहता है। मैं यहाँ सत्संग में जाता हूँ, परसों संडे को मैं जा रहा था और जो है मैं तो फिसलने से बच गया, यहाँ पर गड्ढा था भी, बाइक पीछे बैठी हुई थी, बहुत प्रॉब्लम है सर बहुत। इस गड्ढों की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, और अभी पलाड़ा के जो मतलब रामपाल थे अभी वो इन गड्ढों के कारण उनकी मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट हुआ है कारण के समय, तो इन गड्ढों से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, और पिछली बार अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ है कि एक स्कूटी पर एक लेडीज जा रही थी, वो बजरियों के ऊपर फिसली और गिर गई, वो लोगों ने उसे उठाया, तो गड्ढों की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। रोड यहाँ पर बहुत ख़राब हो रही है, यहाँ पर आए दिन हम देखते हैं, ये मेरा शोरूम है यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पर रोड पर क्या होता है, ये कस्टमर्स रोज़ गिरते हैं, बाइक से जाते हैं कार से जाते हैं, तो कोई अभी कल परसों एक लेडीज़
थी वो गिर गई, उसके बहुत सारी चोट लग गई, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, रात में ये गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। जब रात को ये गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं तो एकदम से अचानक से कोई बंदा जा रहा है, गड्ढा सामने आ गया, वो गिर जाता है। अभी परसों उस लेडीज़ को बहुत चोट लगी। मतलब इतना यहाँ पर माहौल ख़राब हो रहा है रुड़की रोड पे कि मतलब इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि लोगों की गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, ऑटोज़ चलते हैं ऑटोज़ में प्रॉब्लम हो रही है, सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी दिक्कत है। इससे हम बड़े परेशान हैं रोड से। दोपहिया वाहनों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोपहिया वाहन को तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, रात में गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। दोपहिया वाहन में क्या होता है, रोशनी इतनी तेज़ नहीं होती है, तो जब तेज़ नहीं होती है रोशनी तो कस्टमर मतलब पीछे से जैसे बंदा आ रहा है तो वो एकदम से गड्ढा एकदम से आता है, वो उसको टैली नहीं कर पाता है। जब उसको टैली नहीं कर पाता है वो बाइक का मतलब उसमें टकरा के वो गिर जाता है, चोट लगती है। अच्छा, इसकी शिकायत यहाँ पर सब व्यापारी कर चुके हैं, हम व्यापार मंडल से भी हैं, व्यापार मंडल में सारे कस्टमर कर चुके हैं, सारे व्यापारी कर चुके हैं, लेकिन इस रोड को कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं नगर निगम के, उनको भी बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये ठीक होना चाहिए यहाँ पर। मतलब मैं ये कहूँगा, ये बहुत इस रोड का कुछ होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया हेल्प करे, ये रोड बने, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है। शहर की सड़कें इन दिनों बेहद ही खराब स्थिति से गुजर रही हैं। इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जाहिर है कि इन खराब सड़कों से दुर्घटना का भी डर बना रहता है और आए दिन इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन आपको खबरें भी सुनने को मिलती होंगी। इन खराब सड़कों से जन माल दोनों की हानि होती है, लेकिन सड़क बनाने वाले अधिकारी सड़क पर लगाए जाने वाले मटेरियल का पैसा अपनी जेब में सेंक रहे हैं। उन्हें सड़क पर गड्ढे हैं नहीं है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ना इस बात से कोई लेना देना है कि सड़कें सुरक्षित हैं भी या नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही दिखाई देता है कि वहां के हालात कैसे हैं। वो व्यस्त है कमीशन लेने में। कहा जा सकता है कि इसमें थोड़ी गलती आपकी भी है। हर कोई गड्ढों वाली सड़कों पर गालियां देता हुआ, उसे कोसता हुआ रोज आगे बढ़ जाता है, लेकिन शिकायत करने का टाइम किसी के पास नहीं। खैर, सड़कों की हालत बेहद चिंताजनक और हादसों को न्योता देने वाली है, ये साबित हो चुका है। इजाजत दीजिए, इस रिपोर्ट को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये उनके कानों तक तो जरूर पहुंचे जिनको इन सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इजाजत दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।